सो हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि स्कॉलरशिप का पैसा कैसे चेक करें। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी तरह का स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने भी ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, तो आप फाइनली अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक करेंगे कि हमारा स्कॉलरशिप का जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में आखिरकार आया है कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में दोस्तों गूगल में सर्च करना है कि PFMS। जैसे आप इसमें PFMS सर्च कीजिएगा तो सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके सामने में इस तरह का एक PFMS का वेबसाइट दिखेगा, तो सिंपली आपको इस वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो सिंपली आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। तो सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने में एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों साइड में यहाँ पर ही देखेगा कि नाउ वेयर पेमेंट का, तो दोस्तों सिंपली आपको नाउ वेयर पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। तो दोस्तों सिंपली इसमें सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है कि आपको अपना इसमें बैंक अकाउंट, बैंक का दोस्तों यहाँ पर नाम होगा वो सिंपली आपको इसमें एंटर करना है। इसमें आपको अपना बैंक का नाम एंटर करने के बाद दोस्तों इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर है वो सिंपली आपको इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद दोस्तों इसमें आपको फिर से वही अकाउंट नंबर है, सिंपली आपको इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने में एक कैप्चर दिखेगा। दोस्तों ये कैप्चर करना क्या है कि आपको सेम टू सेम आपको इस वाले बॉक्स में आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहां पर करना क्या है कि आपके सामने में यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कि सेंड OTP एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर का, तो दोस्तों सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा सिंपली आपको उस पर एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि OTP को आपको इस वाले बॉक्स में आके एंटर करना है। एंटर करने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने में यहाँ पर वेरीफाई OTP का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो आपके सामने में यहाँ पर दोस्तों इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर टोटल डिटेल यहाँ पर दिया जाएगा कि आपको कौन सा स्कॉलरशिप का पैसा किस दिन यहाँ पर दोस्तों मिला है। तो दोस्तों सिंपली आपको इसी तरह आपको चेक कर लेना है।